हाय डियर स्टूडेंट, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बताने वाला हूँ 5530 का मदरबोर्ड है हमारे पास एक डेल का, जिसमें आपके पास 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। इसमें क्या है, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। इस 19 वोल्ट की शॉर्टिंग को आज मैं रिमूव करना आप लोगों को बताऊंगा कि 19 वोल्ट की शॉर्टिंग में कहां कहां से आ सकता है, कौन कौन से सेक्शन से आ सकता है। तो वो जो हमारा 19 वोल्ट का जो सेक्शन होता है वो हमारा मेन सेक्शन होता है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया, वोल्टेज सेक्शन, बैटरी सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, पीसीएस सेक्शन, एलवीडीएस सेक्शन, इन सारे सेक्शनों में से कोई भी एक सेक्शन आपका शॉर्ट हो सकता है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन सी सेक्शन में ये 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो आपके पास एक डीसी मशीन होना चाहिए शॉर्टिंग फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 19 वोल्ट पे पहले हमें क्या करना है, इसको सेट करना है बोर्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपका बोर्ड 19 वोल्ट पे आउट ऑन होता है तो 19 वोल्ट पे सेट करेंगे। और एम्पियर जो रखना है आपके पास 3.3 एम्पियर रखना है। अगर आपके पास इसको ऑन करने के बाद यहां से आपको जो चेक करना है, इसके अंदर 18 वोल्ट जो है आपके पास, अगर बोर्ड में 19 वोल्ट की शॉर्टिंग होगा तो एम्पियर आपके पास हाई हो जाएगा, जो कि हमने सेट किया था 3.3 एम्पियर पे। और आपके पास वोल्टेज आपके पास डाउन हो जाएगा, या आपके पास 2 वोल्ट हो जाएगा, या 3 वोल्ट हो जाता है, या 5 वोल्ट हो जाता है। यानी बोर्ड के अंदर 19 वोल्ट की शॉर्टिंग। तो सबसे पहले 19 वोल्ट की शॉर्टिंग हमने पहले आपको चेक करना है। यहाँ से जैसे बोर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एम्पियर 3.3 हो गया और वोल्टेज यहाँ पे कम हो गया। तो यानी बोर्ड के अंदर जो है इसके अंदर शॉर्टिंग है, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। तो अब यहाँ से कनेक्टर को लगाने के बाद सबसे पहले हीटिंग के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे, हीटिंग के लिए चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट ओवर हीट हो रहा है। तो यहां पे इसको कनेक्ट करने के बाद पहले वोल्टिंग सेक्शन के नियर बाय जो मेन सेक्शन होता है, उन सभी सेक्शनों के जो है इनपुट क्वायल, इनपुट कैपेसिटर, मेन मॉस्फेट को चेक करना है। ठीक है, उन सारे कंपोनेंट को चेक करेंगे। इधर तो नॉर्मली कोई हीट नहीं हो रहा है। VRM सेक्शन के नियर बाय चेक करते हैं, तो VRM सेक्शन के नियर बाय भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से देखिए, यहां पर जो हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहां पर जो देख रहे हैं आपके पास ये कैपेसिटर है जो कि ये ओवरहीट हो रहा है। ये कैपेसिटर जो है हमारा ओवरहीट हो रहा है। तो इस कैपेसिटर को रिमूव करके चेक करेंगे, ये एक्सेस हीट हो रहा है। ये देख रहे हैं, देखिए एक्सेस हीट हो रहा है, ये कंपोनेंट एक्सेस हीट हो रहा है। यानी ये कैपेसिटर हमारा जो है वो शॉर्ट है, हो रहा है सब, अभी ओवर हीट हो रहा है। तो इस कंपोनेंट को हम लोग रिमूव करके चेक करेंगे। यहां पे जो हमारा ये कैपेसिटर था जो एक्सेस हीट हो रहा था, इस कैपेसिटर को हम लोग रिमूव करके चेक करेंगे क्या कैपेसिटर ये वाकई में शॉर्ट है। तो बोर्ड के बाहर भी निकाल के इसको चेक करेंगे। तो इस कैपेसिटर को पहले रिमूव करेंगे यहां से। इस कैपेसिटर को हमने रिमूव कर लिया है। अब इस कैपेसिटर को पहले चेक करेंगे कि क्या ये कैपेसिटर शॉर्ट है या ओके है, या कोई और सेक्शन में शॉर्ट है। तो ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोर्ड के बाहर नो वैल्यू नो बीप होना चाहिए, और ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। यानी ये कैपेसिटर शॉर्ट है। अब इसके नियर बाय जो कैपेसिटर लगा है इसको चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के एक प्रॉप ग्राउंड पे रखना है और एक प्रॉप पे चेक करना। तो एक साइड वैल्यू आना चाहिए और एक साइड बीप आना चाहिए। तो एक साइड वैल्यू और एक साइड बीप, जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहां से आप शॉर्टिंग नहीं दिख पा रहे हैं। तो और यहां से कॉमन पॉइंट को अब हमें चेक करना है कि ये कॉमन पॉइंट को ग्राउंड से बीप तो नहीं कर रहा है। यानी बोर्ड में 19 वोल्ट का शॉर्टिंग हट गया है। अब यहां से इसको कनेक्ट करके देखेंगे। तो अब यहां से जैसे मैं कनेक्ट करूंगा, यहां से देख रहे हैं शॉर्टिंग यहां से रिमूव हो चुका है, शॉर्टिंग यहां से
रिमूव हो चुका है। तो अब यहाँ से बोर्ड को जरा ऑन करके देखते हैं। तो इसका सीपीयू फैन जरा दीजिए। तो यहाँ से पहले हीट सिंक को लगा लेते हैं। हीट सिंक को लगा के इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब इसको बोर्ड को ऑन करके हम चेक करेंगे। जरा एक कीबोर्ड ले लीजिए डिस्प्ले चेक करने के लिए, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। एक रैम भी यहाँ पे लगा लेते हैं। कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इसमें सप्लाई देंगे हम लोग। और यहाँ से देखिए लाइट जल चुका है, यहाँ से ऑन करेंगे, यानी बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। अब बोर्ड में एम्पियर, एक एम्पियर जब भी आपके पास 75, 78, 85 एक एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर जाता है, यानी बोर्ड के अंदर डिस्प्ले आ चुका है, यानी बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है, यानी बोर्ड हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि, तो यहाँ पे बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। आगे डिस्प्ले, चलिए तो यहां से हम लोग अब यहां से एक डिस्प्ले लगा के मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इसके अंदर डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई और भी सेक्शन का इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो यहां से एलवीडीएस कनेक्टर में कनेक्ट करना है इसको, केबल को यहां से मैं कनेक्ट कर लेता हूं, और यहां से फिर इसके सप्लाई को प्लग करता हूं, और यहां से फिर बोर्ड को मैं यहां से ऑन करता हूं। देखिए बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है, यानी हमारा बोर्ड ये प्रॉपर काम कर रहा है। यानी इसमें इस बोर्ड के अंदर किस चीज का इशू था, कॉमन पॉइंट यानी 19 वोल्ट इसके अंदर शॉर्ट हो चुका था, जिसके अंदर से आपके पास ये कैपेसिटर जो है, आपके पास एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो होता है, ये इनपुट कैपेसिटर था, और ये कैपेसिटर हमारे बोर्ड में क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, जिस वजह से इसको हमें रिमूव करते के साथ ये बोर्ड क्या हो चुका है, यहाँ पे ऑन हो चुका है और बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका। तो इसमें प्रॉब्लम किस चीज का था, इस कैपेसिटर का था, एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर था जो हमारा ये शॉर्ट हो चुका था, जिस वजह से हमारा 19 वोल्ट का शॉर्टिंग बता रहा था इसके अंदर। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही मैं आप लोगों को वीडियो नए नए टॉपिक्स में, और आपके पास अलग अलग शॉर्टिंग, अलग अलग प्रॉब्लम में आपको ऐसे ही वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू एंड सो मच।